किस मंडला मध्य प्रदेश ऐसा मौसम गांधी जयंती और शास्त्री जी की नगर में इस तरह मनाई जाएगी कभी सोचा न था। मानो जैसे बर्फ गिर रही हो। आज शनिवार 2 अक्टूबर शासकीय अवकाश के बाद भी मंडला जिले की कलेक्टर माननीय श्री हर्षिका सिंह जी के आदेश के अनुसार विद्यालय में महात्मा गांधी जी के स्वच्छता स्वतंत्रता आंदोलन पर 5 सत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। गांधी दर्शन पर विद्यार्थियों ने सहायक वाचन के माध्यम से मोहन का बचपन, मोहन की अफ्रीका यात्रा और मोहन का यानी महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन असहयोग आंदोलन अंग्रेजों से आजादी की कहानी पर आधारित यह सत्र बहुत ही सफल रहा। विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर मैंने भी बच्चों से परिचर्चा में भाग लेने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात तो यह रही है कि बालक बालिकाओं ने महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित सहायक वाचन का 3रा खंड पूरा की पूरा अपने स्तर से बच्चों के सामने प्रस्तुति दी। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज भी महात्मा गांधी दर्शन समसामयिक है, वह जानते हैं। बच्चों ने जिस तरह से गांधी दर्शन पर कक्षा 8 की सहायक वाचन में उल्लिखित गांधी जी के बचपन से लेकर गांधी जी के अवसान तक उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पठन पाठन कर परिचर्चा में भाग लिया। जगन्नाथ शासकीय वरिष्ठ मूल माध्यमिक विद्यालय 1835-36 में प्रारंभ हुआ और आज 2021 में वह इस मुकाम पर है कि हम कह सकते हैं विद्यालय बहुत ही अपने स्वर्णिम युग को याद करते करते इस आधुनिक भारत में ग्राम दर्शन दिखाई दे रहा है। गांधी जी का ग्राम स्वराज। गांधी जी जब लंदन में थे तो एक ब्रिटिश ने पूछा उनसे कि आप भारत के गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, मेरा भारत गांव में बसता है और गांव के लोगों को उनके जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए उनमें स्वच्छता और साफ सफाई की बात को लेकर जागृत करने के लिए जो भी करना पड़े वह सब। एक बार
सेठ जमुना दास जी वर्धा में उनसे पूछी कि मैं एक गांव में काम करना चाहता हूं, उस गांव को गोद लेकर उस गांव की तरक्की में कुछ करना चाहता हूं, उस गांव को वह गोद में लेकर के कुछ करना चाहते थे और उस गांव का नाम था सेव गांव, सेवा गांव, से गांव, से गांव, से गांव, बाद में सेवा ग्राम बना। इसलिए सेवा ग्राम बना क्योंकि गांधी जी वहां जाकर के रहने लगे। मैंने भी बच्चों को बताया उसकी बांस बल्ली की उनकी एक कुटिया बना की और जो सेवादार थे वर्धा में सेठ जमुना दास जी के आग्रह पर से गांव स्वच्छ साफ और वहां के लोगों के जनजीवन को का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जब प्रस्ताव रखा गया तो महात्मा गांधी ने वहां जाना तय किया और वहां जाकर के लोगों को सेवादारों को एक शर्त रख दी कि वे सब स्वयं स्वच्छता का पालन करेंगे और गांव में स्वच्छता का पालन करने के लिए जन जागृति लाने के लिए स्वयं अपना साफ सफाई के अलावा अपना स्वयं का मैला साफ करेंगे। ये इतनी बड़ी बात आज तो खैर अत्यंत आधुनिक भारत है किंतु उस जमाने में उस गांव को नाम देकर सेवा ग्राम नाम देकर महात्मा गांधी ने ये सिद्ध कर दिया कि स्वच्छता साफ सफाई हमारे अपना निजी दायित्व में और हम क्यों ना स्वच्छ मन स्वच्छ तन की भावना को लेकर अपनी आत्मा को कैसे पवित्र कर सकते और अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं यह सिखा दिया। आज पूरे विद्यालय में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ श्रीमती मंजुला यादव प्रधान अध्यापिका के मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में विद्यालय में महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती मनाई गई। बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें वितरित करी गई और बच्चों के उत्साह को देखकर हम सभी पुलकित हैं। इसी तरह बच्चों ने चित्रकारी करी। ये बेटियां अनुष्का और अमृता और ये रंजीता और ये श्रद्धा यादव इन्होंने चित्रकारी करी। इतना खूबसूरत चित्रकारी और बच्चों ने भी करी है जिसमें आयुष पटेल ने ये स्केच बनाया महात्मा गांधी का। बच्चों ने लिखा अपनी एक अलग क्लास में महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी अमर रहे। बच्चों ने विद्यालय के इस कार्यक्रम में जिस तरह से अपना योगदान दिया, मौसम ने भी खुलकर उन बच्चों का अभिनंदन किया। महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी को शत शत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देने जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी मिलकर 2 अक्टूबर 2022 जब भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो अगले बरस और भी धूमधाम के साथ महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की
जन्म जयंती मनाई जाए। मैं आप सभी से निरंजन कुशवाहा, उच्च श्रेणी शिक्षक, अगले।